एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी सच्चाई जानने के साथ फ्रंटल संगठनों को भी चुस्त दुरुस्त कर सकती है। यही नहीं, पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन अपने अपने स्तर से मिशन 2024 फतह करने के अभियान में जी जान से लग गए हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीतापुर में सपा महिला सभा की एक बैठक टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई, जिसमें समाजवादी महिला सभी की नवनियुक्त प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह यादव, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सीतापुर ज्ञानवती भार्गव आदि का स्वागत करने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों का पर विचार विमर्श किया गया। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने गोष्ठी के जरिए भाजपा सरकार पर हमला बोला। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज में यूपी में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, अपराधी खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हर रोज हत्या लूट बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सपा सरकार में शुरू की गई यूपी डायल 100 पुलिस सेवा की सराहना की, कहा कि भाजपा सरकार ने उसे 112 बनाकर बर्बाद कर दिया। गोष्ठी को लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक रामपाल यादव, मास्टर प्रमोद वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, सारिका पिंकी यादव, फूलमती राम प्यारी, शांति देवी, मिथिलेश यादव, रामकली, कमला देवी, कुसुम रेशमा, रेणु राजपूत आदि ने संबोधित किया। सपा महिला सभा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए आई इंडिया को बताया, महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और महिलाओं से मिलकर सब संगठन पर मजबूत करेंगे, महिलाओं के साथ साथ रहेंगे, मेहनत का काम करेंगे, मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, महिलाओं से एकजुटकर होकर रहेंगे, हम सब एक हैं। लोकसभा चुनाव में पूरी फुल तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। बैठक में सपा महिला सभा ने महिलाओं की समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि 2024 में इन्हीं मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच जाया जाएगा। भाजपा सरकार में महिलाओं की जो अहम समस्याएं रहीं, उन्हें जनता के बीच रखकर सपा के लिए वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर महंगा करके सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं के लिए खड़ी की है। सपा महिला सभा की नवनियुक्त प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह यादव ने आई इंडिया से क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। हम महिला आधी आबादी जो 50% कहे जाते हैं, तो संगठन बनाने का यही उद्देश्य है कि जो 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें जो महिलाओं की घरेलू समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं, महिलाओं को जागरूक करके उनको संगठित करके हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या क्या कर रखा है जो महिलाओं के खिलाफ है, तो महिलाओं के लिए आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। हाँ, महिलाओं को जागरूक करने की सिलेंडर कितना महंगा हो गया, उनका राशन कितना महंगा हो गया है, बिजली का बिल कितना महंगा हो, क्योंकि महिलाएं रसोई और सारी समस्याएं संभालती हैं, सब देखती हैं, तो महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है, तभी तो अपना वोट अच्छे से दे सकती है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये जागरूकता का काम हम लोग करेंगे। हाँ, महिलाओं को साथ लेकर चले, क्योंकि आधी आबादी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गोष्ठी में कौशलेंद्र सिंह, विजय बहादुर यादव, अल्लन जी इकबाल, हुसैन अंसारी, राहुल तिवारी, अशफाक खां, चंद्रशेखर, राजकिशोर गौतम, देवेंद्र यादव, डॉक्टर इस्माइल, डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, नवनीत वर्मा, श्रीपाल यादव, कमलेश कुमार, शुभम यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा महिला कार्यकर्त्री सादिया खान ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और सीतापुर में जो महिला सभा की जिलाध्यक्ष बनाई गई हैं श्रीमती ज्ञानवती भार्गव जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ ज्ञानवती भार्गव जी से भी और अपनी पार्टी की सभी महिलाओं से और अपनी पार्टी के सभी सीतापुर जिले के सभी कार्यकर्ता नेतागण सबसे कि ज्ञानवती भार्गव जी को सहयोग करेंगे, और समाजवादी पार्टी के जो सीतापुर में जिला कार्यकारिणी है, मेरी कार्यकारिणी पहले भी बहुत मजबूत थी, आज भी बहुत मजबूत है, और मैं चाहती हूँ जो कमियाँ आई हैं, जो चीज़ें अभी मुझे और अच्छी करनी हैं, मैं ज्ञानवती भार्गव जी का
पूरा साथ और सहयोग दे करके पूरे ज़िले में दौरा करूंगी और समाजवादी पार्टियों की नीतियों को आगे बताऊंगी, बढ़ाऊंगी। दूसरी बात ये, समाजवादी पार्टी में महिलाओं को हमेशा उच्च स्थान पर रखा गया है, महिलाओं की बात को सुना गया है, उनके दुख को समझा गया है, ऐसा किसी भी पार्टी में नहीं किया गया। मैं चाहती हूँ कि इस बार लोकसभा का टिकट पार्टी जिसको भी दे, हम सारी महिलाएं मिल करके, पूरी जिला कार्यकारिणी मिल करके उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर, क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in Central Government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।